हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो में हमारे घर में यूज़ होने वाले एलपीजी गैस स्टोव के अंदर में एक प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब हम गैस स्टोव के फ्लेम को लो करते हैं तो हमारा फ्लेम ऑफ हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका रीज़न और इसका सॉल्यूशन भी बताने वाली। इस काम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सिलेंडर के पास से रेगुलेटर का स्विच ऑफ कर लें। इसके बाद बर्नल को खोल लेंगे। ये बर्नल का प्रॉब्लम नहीं होता है। बर्नल को खोलने के बाद में ये निप्पल को भी खोल के क्लीन करके रख लेंगे। इसके बाद ये कॉक दिख रहा है जिसमें निप्पल फिक्स होता है, इस स्क्रू को हमें खोलना है। इस स्क्रू को खोलने के बाद ये नोब को बाहर निकाल लेंगे। इसके साथ में एक स्प्रिंग होगा, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद मेन जो पार्ट्स है, ये अंदर जो वर्क करता है हमारा, इसे बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें दो होल दिख रहा है, एक बारीक है और एक थोड़े से ब्रॉड है। तो इसमें से दोनों होल को क्लीन कर लेंगे। बारीक होल जो है लो फ्लेम करते हैं तो उसमें से गैस पास होता है, तो उसमें डस्ट आ जाता है, तो उसको क्लीन करना है। इसे क्लीन करने के लिए हम कोई सा भी बारीक पिन, सेफ्टी पिन, सुई यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर से ये डस्ट है, ये देखिए बारीक, जो गैस को पास होने नहीं देता है और फ्लेम ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से इसे भी हम क्लीन कर लेंगे कपड़े से। इसमें स्क्रू ड्राइवर डालना नहीं है क्योंकि स्क्रू ड्राइवर डालेंगे तो स्क्रैच का प्रॉब्लम आ जाएगा और लीकेज का प्रॉब्लम भी आ जाएगा। तो इसे क्लीन करने के लिए सिर्फ कपड़े का ही यूज़ करें, साफ़ कपड़े का। इसके बाद हल्का नाम भर का ग्रीस लगा लें क्योंकि जब ये बटन ऑपरेट करते हैं उस टाइम पर हमें टाइट ना लगे बटन। ये प्रॉब्लम जल्दी ना आए इसलिए हमें जब भी हम गैस सिलेंडर को चेंज करते हैं, जहाँ पे रेगुलेटर को फिक्स करते हैं, उस जगह पे पानी डालने पहले सिलेंडर के। पानी डालने के बाद उससे किसी सूखे कपड़े से उस पानी को निकाल लें क्योंकि जो सूखा डस्ट होता है वो लिक्विड बन के पानी के साथ में कपड़े के साथ बाहर आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पर। तो ये देखिए हमारा ये जो लो फ्लेम में ऑफ हो रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इस तरीके से आप कर सकते हो।